सो गाइज, अगर अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो क्या करोगे? सर कुछ हो ही नहीं रहा, सर हमसे होता ही नहीं, सर हम क्या करें, सर कुछ तो बताओ, कम से कम एटलीस्ट पास हो जाए, थोड़ा बहुत ज्यादा मार्क्स पास होने से नंबर थोड़ा आगे बढ़ जाए। तो मैं बताता हूँ गाइज, आपके हाथ में देखो ये राइटिंग स्किल, मतलब सेक्शन 5 और सेक्शन 6 आपके हाथ में, 25 में से अगर आप फॉर्मेट को आपने दिमाग में फिट कर लिया ना, उसी अकॉर्डिंग आपने चीजों को लिख दिया, तो एटलीस्ट 25 में से 20 मार्क्स तो आपका फिक्स हो गया। 20 मार्क्स यहाँ फिक्स हो गया, देन इंटरनल जो ओरल था, ओरल में 20 में से 17-18 तो सबको मिला ही है, तो पास होने का तो टेंशन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। देन इसका सेक्शन अगर मैं 4 की बात करूँ तो 5 मार्क्स का समरी है। समरी किस तरह से लिखते हैं ये चीजें हमने बताई है, गिरी ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो इसमें भी एटलीस्ट आपको कितना भी अब खराब, आपको फॉर्मेट समझ में आ गया ना, तो कितना भी आप खराब लिखोगे तो भी उस फॉर्मेट वाइज लिखोगे तो 3 मार्क्स तो एटलीस्ट आपको मिल ही जाएगा। तो गाइस यहां हम लेते हैं 20 मार्क्स, देन वहां 18 मार्क्स, तो आपका 38 हो गया। 38 में अगर इसमें 3 मार्क्स मिल जाता देन 41 मार्क्स गाइस यही हो गया, तो पास होने का तो टेंशन बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद अगर सेक्शन 1 जो ग्रामर है, वैसे अगर आपसे ग्रामर हो ही नहीं पा रहा है पर छोटे छोटे हमने ग्रामर जो छोटी छोटी चीजें बनाई, अगर एक एक दो मिनट, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रामर के टॉपिक है जो आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो गाइस इस तरह से आपका जो डर है ना फेल होने का, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम में आग लगा के, मतलब पेपर फाड़ के आओगे, मतलब अच्छे से लिख के आओगे। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।